चमत्कार है। आज हम इस पुनरुत्थान कार्यक्रम में ऐसे विषय के ऊपर वार्तालाप करेंगे जो कि हमें आपस के अंदर कैसे जीना है उसके बारे में जो है वह विषय हमें हाईलाइट करेगा। और पुनरुत्थान का अर्थ होता है कि पतन से उन्नति की ओर जाना, हमारे जो मानवीय मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, पारिवारिक मूल्य, शैक्षणिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य और सोसाइटी के सारे मूल्य जो गिर रहे हैं उसकी पुनर्स्थापना हमें करनी है, हमें पुनर्जागरण करना है। इसीलिए ये पुनरुत्थान कार्यक्रम रखा गया है। आज का विषय है परस्पर ग्रहो जीवानाम, मतलब इसका अर्थ ये होता है परस्पर, और ग्रहो मने रहना, और जीवानाम मतलब जीव, व्यक्ति आपस में कैसे रहे, ये आज का विषय है। तो इस विषय के ऊपर हम गहराई से चिंतन करेंगे क्योंकि ये जो सारी सृष्टि है, होल ऑफ द कॉस्मॉस, होल ऑफ द एनवायरनमेंट, होल ऑफ द ग्लोब इज नॉट ओनली मेंट फॉर वी सिंगल पर्सन, इट इज मेंट फॉर होल क्रिएचर्स ऑफ द यूनिवर्स। दिस इज ए यूनिवर्स दैट इज नॉट ऑफ आवर्स ओनली, इट इज फॉर ऑल हु आर लिविंग इन दिस एनवायरनमेंट। तो हमें ये चिंतन करना है, घर में भी देखिए, हमें एक छोटी इकाई से प्रारंभ करता हूँ। तो घर में भी हम अगर संयुक्त परिवार है, 10, 20, 30, 50, 100 सदस्य रहते हैं, व्यक्ति जहाँ ये मान लेता है कि घर में रहने वाला मैं अकेला ही हूँ, मुझे अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छे कपड़े मिलने चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और मेरा मनचाहा कार्यक्रम होना चाहिए, जहाँ ये मनचाहा कार्यक्रम की बात आती है तब वो स्वार्थ की वृत्ति होती है। तो परस्परो ग्रो जीवानाम, व्यक्ति आपस में कैसे जिए, वो हम कुछ ऐसी मर्यादाओं की बात करेंगे, कुछ ऐसे सूत्रों की बात करेंगे, कुछ ऐसे नियमों की बात करेंगे जिसके माध्यम से जो है अगर इस सृष्टि के अंदर कोई भी जीता है तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा फॉर्मूला भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया, लिव एंड लेट अदर्स लिव, जियो और जीने दो। बंधुओं कितना अच्छा सूत्र है, यदि 7 अरब की जनसंख्या का हर मनुष्य ये सूत्र धारण कर ले कि मैं भी जीऊं और सभी लोग शांति से जिए, सभी लोग सुख से जिए, तो कभी भी आपस में टकराव नहीं हो सकता है। और वो जो है लिव एंड लेट अदर्स लिव का फॉर्मूला करने लिए मैन विल हैव टू डेवलप द मेंटिलिटी ऑफ द त्याग की वृत्ति, उसे कुछ छोड़ने की वृत्ति आनी चाहिए। दो तरह की धाराएं होती है, एक प्रवृत्ति की धारा होती है और एक निवृत्ति की धारा होती है। निवृत्ति की धारा के अंदर छोड़ना होता है, वो निवृत्ति जो है वो कन्वर्जेंट होती है और प्रवृत्ति की धारा होती है डाइवर्जेंट होती है। दुनिया को हम देखें कि हम लोभ की बात करें, स्वार्थ की बात करें, तो हमारा चिंतन यूं हो जाता है, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये स्वार्थ की वृत्ति हो जाती है। और जो निवृत्ति मार्गी होता है, जो चिंतन करता है कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, सो मैनी अदर पर्सन्स आर देयर इन दिस कॉस्मॉस, आई शुड टेक द इंटरेस्ट और टेक द केयर ऑफ ऑल ऑफ देम, तो क्या वो डाइवर्जेंट होता है कि नहीं, मुझे इतना ही ग्रहण करना है जो मेरे लिए आवश्यक है। तो ये त्याग की वृत्ति आ जाती है बंधुओं। तो सबसे पहला जो परस्पर रहने का जो सूत्र ये है कि हमारे जो आपस के अंदर जो त्याग की वृत्ति होनी चाहिए, हम जितने भी प्राणी हैं वो सभी बांट बांट करके उसको वस्तु को लें, खुद के लिए स्वार्थ की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये स्वार्थ की वृत्ति होती है, इट ब्रिंग्स द मीन मेंटिलिटी, मैन बिकम्स द सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थी होता है। स्वार्थी के लिए कहा गया है कि मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआ ढहे तो ढहे। स्वार्थी व्यक्ति का चिंतन यहीं तक चलता है कि मैंने मौसो कर ली, खा लिया, पी लिया, बस ऐश आराम कर ला, वही बहुत है।
लेकिन ऐसा स्वार्थी व्यक्ति आराम से इस सृष्टि में नहीं जी सकता और सफल भी नहीं हो सकता और एक अच्छा इंसान भी नहीं बन सकता है। इसलिए स्वार्थ की वृत्ति को हमें त्यागना चाहिए और मनुष्य के जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये पांच चीज़ें इस जीवन यापन के लिए अति आवश्यक होती है। इन पांच चीज़ों को हमें जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करना, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन जब हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो इससे अधिक संशय करना, दिस इज इनजस्टिस, इसको शोषण भी कहा जाता है, इसको अन्याय कहते हैं। क्योंकि हम कभी भी संग्रह वृत्ति करते हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी का हक मारा जाता है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि के अंदर जितने असंख्य अनंत जीव निवास करते हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य है, जानवर है, देवता है, नारकी के लोग हैं, जब ये 84 लाख जीव योनि के अंदर जो यापित करते हैं जीवन, तो उनके लिए सबके भरण पोषण की व्यवस्था है। और एक व्यक्ति 10 लोगों का, 100 लोगों का, उनकी आवश्यकताओं का संग्रह एक व्यक्ति कर लेता है तो वो लोभी कहलाता है और वो निश्चित रूप से दूसरे का शोषण करता है। तो इसीलिए स्वार्थ की वृत्ति का त्याग होना चाहिए। आपसी जीवन का जो परस्पर जीवन का यही है। और बंधुओं, आज के इस युग के अंदर, इस ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन के अंदर, युग के अंदर अच्छा व्यक्ति कहा, किसको कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सोई शहनशाह। बंधुओं, इस सृष्टि में हम आए हैं तो हमें शहनशाह बनना चाहिए। शहनशाह राजा होता है, शहनशाह पूजनीय होता है, शहनशाह वंदनीय होता है, और शहनशाह स्वयं अपने आप में एक संतुष्ट होता है और उसका जीवन धन्य होता है। लेकिन वो शहनशाह बनता कब है, जबकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो अपने आप को संपूर्ण संतुष्ट जो है महसूस करता है। इसीलिए कहा भी गया है कि संतोषम परम सुखम, संतोष है कंटेंटमेंट ब्रिंग्स द हैप्पीनेस, जो हमारा संतोष है वह हमें प्रसन्नता लाता है। उसके लिए कहा है गज धन गोधन बाजी धन और रतन धन खान, जो आए संतोष धन सब धन दूरी समान। बंधुओं, कितना ही धन इकट्ठा कर लो लेकिन संतोष से बढ़ के कोई बड़ा धन नहीं है। ये पुनरुत्थान कार्यक्रम भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, किस लिए रखा गया है कि हमारे जो भारतीय संस्कृति के मूल्य है, भारतीय संस्कृति की जो धरोहर है, भारतीय संस्कृति जो अच्छाइयाँ हैं, भारतीय संस्कृति के नॉर्म्स हैं, भारतीय संस्कृति के जो गुण हैं ना, उन गुणों का हम वार्तालाप करें। एक एक गुण के ऊपर घंटों घंटों पर गहराई से चिंतन किया जाता, जो चिंतन होता है उससे नवनीत निकालता। आपने उदाहरण के तौर में बताना चाहूँगा बंधुओं कि दूध होता है, चाहे गाय का और भैंस का हो, तो वह दूध हमारा, इससे मिल्क इज ए ओवरऑल फूड फॉर ए मैन, कैसे है कि जब उस दूध को जमाया जाता है तो वो दही बनता है, और दही को बिलोया जाता है मक्खन आता है, और मक्खन को बिलोया जाता है तो घी आता है। बंधुओं, ये मंथन होता है, मंथन को निध्यासन कहा जाता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि श्रवण, मनन और निध्यासन। हम किसी महापुरुष की, किसी साधु संत की, किसी आचार्य की, किसी भले इंसान की कोई बात को, अच्छी बात को सुने, वो श्रवण, और फिर उसके बाद के अंदर मनन करें उसके ऊपर, उसको अनुप्रेक्षा कहा जाता है। और तीसरा होता है निध्यासन, उसको बात को जीवन में उतारा जाए। इसीलिए कहा गया है कि एसेंस ऑफ नॉलेज इज कंडक्ट, हमारे ज्ञान का सार है वो आचार है। जितना भी हम ज्ञान लेते हैं इस सृष्टि के अंदर, आज गूगल सर्च के अंदर जाइए, दुनिया का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है
जो गूगल के अंदर नहीं हो है। गूगल भी अपने आप में एक परमात्मा है, गूगल भी अपने आप में एक भौतिक ईश्वर है जहां पर सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन उस ज्ञान को लेकर के जीवन में उतारना चाहिए बंधुओं। जब तक हम देखिए कि हमारा भोजन है या पानी है गले तक रहता है तो हमारी वो तृप्ति नहीं कर सकता, पानी या भोजन हमारी भूख नहीं मिटा सकता है, वह भोजन और पानी गले के नीचे उतरना चाहिए। आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि हमको ज्ञान तो बहुत मिल रहा है लेकिन वह ज्ञान हमें गले से नीचे नहीं उतर रहा है। अगर हम मैं पुराने जगत की बात करूं, ऋषि मुनियों के जगत की, आज से 100 200 500 साल पहले की बात करूं, ज़्यादा नहीं 50 साल पहले की बात कहूं, जब इतना विज्ञान विकसित नहीं था तो हमारे घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होते थे, उनके जीवन से हम सीखते थे, वही हमारी माँ बाप हमारी पाठशाला हुआ करते थे और वही हमारे रोल मॉडल हुआ करते थे, उनके जीवन से हम सीखते थे। उनका अगर जीवन सादगीमय है, उनका जीवन सदाचार का है तो हम सदाचारी होते थे, और वो कदाग्रही है, दुराग्रही है, चरित्रहीन है तो उसकी संतान भी चरित्रहीन हुआ करती थी। लेकिन आज क्या है, विज्ञान ने बहुत तरक्की कर ली है, ठीक है, अच्छी बात है, हम किसी के विरुद्ध नहीं है। द मॉडर्न द प्रेजेंट द सिनोरियो ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रूफ ऑफ द आवर वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम की हमारे ऋषि मुनियों ने बात की थी वो विज्ञान ने आज सिद्ध कर दिया है। तो हमें हमारे विषय के लिए, हमें आपस के अंदर अच्छी तरह से जीने के लिए सुखी जीवन, ये हमारा सामुदायिक जीवन है। सामुदायिक जीवन के अंदर तीन तरह की चेतना, एक चेतना की बात मैंने आपको अभी कही स्वार्थ की बात, मैं दूसरी चेतना की बात करता हूँ परार्थ की बात, जो मैंने प्रारंभ में कहा लिव एंड लेट अदर्स लिव, ये मध्यम मार्ग है कि मैं भी जीऊं आप भी जियो और समस्त प्राणी जिए। परार्थ में रहने वाला व्यक्ति जो है अनुशासनहीन नहीं होगा, वह अपने पड़ोसी की परवाह करेगा। हम ट्रेन में सफर कर रहे हैं, हमारे लिए अगर जो है वो एक सीट वो जायज है, हमको एलोटेड है, लेकिन हम जो है वो आग्रह के कारण दूसरी चीज को, अपने शक्ति के कारण, अपनी पोस्ट के कारण दूसरी तीसरी सीट को दबाए बैठे हैं। तो ये हमारा परस्पर अच्छा जीवन जीने का एक वे नहीं है, ये तरीका नहीं है। हम भाई और बहनों, काफ़ी देर से हम गहन मंथन चिंतन कर रहे थे तो अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं, ब्रेक के लिए पुनः हाजिर होंगे। मैं अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश किया, ब्रेक लिया और पुनः हमारी भारतीय संस्कृति के जो मुख्य विषय के ऊपर चिंतन के लिए पुनः उपस्थित हुए हैं। ये एक नदी के दो छोर की तरह है, जैसे एक छोर से दूसरे छोर पे जाते हैं, देर आर द टू कोर्ट्स ऑफ ए फ्लोइंग रिवर। तो जो कोर्ट्स में से जो हमारा जो जीवन और मृत्यु जो है वो ये दोनों किनारे हैं बंधुओं। कोई ये चाहता है कि मृत्यु निश्चित है तो क्यों नहीं इस शरीर का मैं उतना उपयोग करूं कि मेरी आत्मा का कल्याण करूं, मेरी आत्मा को शुद्ध बनाऊं और साथ साथ में मेरी ऐसी स्मृति छोड़ जाऊं कि हमेशा याद रखे। देखिए महात्मा गांधी चले गए, स्वामी विवेकानंद चले गए, दयानंद सरस्वती चले गए, रविन्द्रनाथ टैगोर चले गए और बड़े बड़े महापुरुष आचार्य और राजा लोग चले गए, लेकिन उनकी कीर्ति जो अच्छा कार्य करके गए हैं समाज के अंदर, जो जनता को सुख दे के गए हैं, परस्परोपगरो जीवा नाम का फार्मूला दे के गए हैं, ये हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा जीवन जीने का एक फार्मूला है कि परस्परोपगरो जीवा नाम, हम आपस में प्रेम से जिए, भाई भाई की तरह जिए। तो जो ऐसा जीवन जी के जाते हैं, ऐसे जीवन की कला बता के जाते हैं, ऐसा वे ऑफ लाइफ बताते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं, साइंस ऑफ लिविंग बताते ही नहीं हैं, जीते हैं वो अमर हो जाते हैं बंधुओं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जीवन अच्छा जीने के लिए परस्पर ग्रो जीवा नाम एक बहुत बड़ा अच्छा सूत्र है।
तो परमात्मा, मैंने जो है तीसरी चेतना की बात कही कि पहला स्वार्थ की चेतना, परार्थ की चेतना और तीसरी होता है परमात्मा की चेतना। वह व्यक्ति जो है वो 24 आवर्स जो है वह लोगों के कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए निकल जाता है और उसके भीतर से जो है प्रेम का झरना बहता है, सहानुभूति होती है बंधुओं, करुणा होती है। जिस व्यक्ति के भीतर करुणा होती है वो इतना करुणा का सागर होता है, किसी व्यक्ति को दुखी देख करके वो आप्लावित हो जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है हे प्रभु इस व्यक्ति का दुख दूर करो, क्योंकि वो अच्छा जीवन जीने वाला होता है, स्वयं एक परमात्मा का रूप होता है। तो उसकी दुआ से, ईश्वर को स्मरण करने से किसी व्यक्ति का दुख दूर हो सकता है। तो बंधुओं, परस्पर करो जीवा नाम एक जो है हमें सामुदायिक चेतना की बात बताता है। मैं अकेला नहीं हूँ, इस धरती पर सभी लोग हैं, उन सब के साथ में हमें जीने की कला सीखनी चाहिए। बंधुओं, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होना चाहिए, उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है त्याग की भावना होनी चाहिए व्यक्ति के जीवन के अंदर। और देखिए इसके मामले में मुस्लिम समाज है, जो मोहम्मद साहब ने कितना बड़ा जो एक उदाहरण प्रस्तुत किया, जकात। मुस्लिम समाज के अंदर जकात का प्रावधान है कि हर मुस्लिम जो है 2 टका 2.5 टका जो है वह अपने भाइयों के लिए जो है सहयोग राशि करे। इसीलिए वो ब्याज को जो है, बैंकों के ब्याज को, सूद को वो अच्छा नहीं मानते, पाप मानते हैं। तो मुस्लिम लोग जो है बैंकों से जो है वो सूद ग्रहण नहीं करते हैं बंधुओं। और देखिए हमारे हर धर्म के अंदर ये जो क्रिया प्रणाली है, जैन लोगों में उपवास चलता है, वैदिक परंपरा में भी उपवास की परंपरा है, और उधर जो है रोजे रखे जाते हैं, और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो ब्लेसिंग ट्रिनिटी की बात की जाती है ईश्वर से। तो ये सारी चीज़ें किस लिए की जाती है कि सारी सृष्टि एक वसुधैव कुटुंबकम है, हमको एक भाई भाई की तरह रहना चाहिए, मैत्री से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। और परस्पर जीने के लिए एक सबसे बड़ा सूत्र ये है कि वी शुड रिगार्ड ईच एंड अदर। हम जिस जगह कार्य करते हैं उस पर जितने लोग भी कार्य करते हैं उन दूसरे की, एक दूसरे का रिगार्ड करना चाहिए। अगर पुत्र पिता का रिगार्ड न करे तो पिता के ऊपर क्या गुजरती होगी, और धीरे धीरे उनके बीच की जो है दूरियां जो है वो इतनी बढ़ जाती। आज हम टीवी में और अखबारों के अंदर इतनी बुराइयां जो पढ़ने को मिल रही है, देखने को मिल रही है, इन सब का कारण यह है कि हमारी विचारधारा जो है दूषित हो गई है। परस्परो ग्रो जीवा नाम का फॉर्मूला हम भूल चुके हैं, हमारे में स्वार्थ की वृत्ति आ गई है, हमारी थिंकिंग जो है खराब हो गई है, और उसका कारण एक ही है कि हमारा भोजन दूषित हो गया है। आज हम फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा चले गए हैं, वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा चले गए हैं। परस्परो ग्रो जीवा नाम ईस्टर्न फिलोसॉफी है, और वेस्टर्न फिलोसॉफी के अंदर न्यूक्लियर फैमिलीज होती है, दे बिलीव इन ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो ऐश करो आराम करो। हमारे परस्पर गुरु जीवा नाम भारतीय संस्कृति में ऐश आराम की परिभाषा दूसरी है। हम ऐश आराम किसको मानते हैं? हम मानते हैं ईश्वर का स्मरण करना, प्रभु भक्ति करना, वो सबसे बड़ा ऐश आराम है। 10 मिनट भी समय मिला और मेडिटेशन में जा करके हमारे आते जाते विचारों को शांत करके हमने प्रभु भक्ति की, प्रभु को याद किया, और भीतर विराजमान जो शुद्ध आत्मा है वो सबसे बड़ा प्रभु है, सबसे बड़ा जो है वो गुरु है। वी शुड बिलीव इन रियल एंड रिलेटिव, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ परस्पर गुरु जीवा नाम, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ आवर इंडियन कल्चर, रियल एंड रिलेटिव। ये जो आप मेरा शरीर देख रहे हैं ये रिलेटिव है, मैं भीतर चिंतन करता हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ जगत के सब जीवों के अंदर, प्राणी मात्र में, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा, हर एक कीड़े मकोड़े के अंदर, हर पेड़ में
शुद्ध आत्मा के दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। मैं भगवान महावीर जैसी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान कृष्ण जैसी शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान शिव जैसी शुद्ध आत्मा हूँ। बंधुओं, ये ऐसा देश है जहाँ पर पत्थर पूजे जाते हैं, यहाँ पर ओम नमो भगवते वासुदेव का गूंज जो है 24 घंटे चलती है। यहाँ ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय का जो है गूंज चलती है, जय बाबा की गूंज। आप देखिए कि अभी जय बाबा के कितने भजन जोधपुर के इस किनारे से उस किनारे पर चल रहे हैं। हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बाबा रामदेव जी ने रूंचा के अंदर जन्म लिया, और कहाँ कहाँ के लोग आकर के और वहाँ जाते हैं और हमारे में भी श्रद्धा पैदा करते हैं, भक्ति पैदा कर रहे हैं। ये लोग फालतू नहीं हैं जो हजारों किलोमीटर से दूर आ रहे हैं और इनका भोजन का पता नहीं है, रुकने का पता नहीं है, खाने का पता नहीं है। ये परस्परो ग्रह जीवा नाम है। कितने कितने लोग जो है हम एक ईश्वर की आस्था रख करके एक जय बाबा री के नाम से जो है हम एक होते हैं। जाने वाला जय बाबा की बोलता है और उसके संपर्क में आने वाला जय बाबा की बोलते हैं। तो देखिए कि हमारे भीतर कितना प्रसन्नता का भाव आता है। जब भीतर प्रसन्नता का भाव आता है तो सीरोटोनिन जो हमारा स्राव बढ़ता है, वो स्राव है हमारे एक एक रोम रोम के अंदर जो है आनंद की अनुभूति करा देता है। बंधुओं, ये परस्पर ग्रो जीवा नाम ऐसा विषय है जो कि हमें भाई भाई के साथ में, अच्छा संबंध पति पत्नी के साथ, माता पिता के साथ में, और सृष्टि के हर जीव और जगत के साथ में अच्छा संबंध रखने की बात कहा जाता है। Nowadays we think that relation is the most important thing. In our this relative world, relations are most important thing. This what is this relation? This relation is the theory of live and let others live. Relation कब बनते हैं? हम sacrifice करते हैं, हम tolerance रखते हैं, हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। किसी को कष्ट आया तो हम उसके कष्ट को दूर करने के लिए दौड़ते हैं, किसी के सुख की घड़ी आती है तो घड़ी बांटने के लिए ब्याह में, शादी में, किसी के प्रमोशन के अंदर, किसी के रिटायरमेंट में, कोई भी जैसा जैसा उसमें घर में फंक्शन होता है, ये हमारी भारतीय संस्कृति है, उसको हम हिल मिल के बांटते हैं, प्रसन्नता से बांटते हैं। हमारे यहाँ बांटने को सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जू बांटे त्यू बड़े और बिन बांटे घटी जात। जो ज्ञान में आपके सामने बांट रहा हूँ भाई और बहनों, श्रोतागण और हमारे हमारी मातृशक्ति, कि ये जो ज्ञान जो बांटा जा रहा है ये सत्संग है। ये जैसे जैसे मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, ये मेरा टेप रिकॉर्डर, मेरा ईश्वर यहाँ आकर के बैठ जाता है, वो बोल रहा है, मेरा कुछ नहीं, शब्द मेरे गुरु के ईश्वर की, तो टेप रिकॉर्डर है एक सोहन राज, तो टैप रिकॉर्डर है जो आपके सामने बोल रहा है। लेकिन ये विचारधारा, ये चिंतन, ये सत्संग जो है, ये जो आज्ञा चक्र है, यहाँ पर बैठा हुआ गुरु, यहाँ पर बैठा हुआ ईश्वर बोल रहा है। बंधुओं, और ईश्वर की हम जितनी बात करते हैं वह परस्परो गुरु जीवा नाम है। एक ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्ति जो है आपस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से जी सकता है। भाई और बहनों, श्रोतागण, दर्शकगण, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि आज आपने गहन विषय परस्पर गुरु जीवा नाम के ऊपर कितनी दिलचस्पी दिखाई, कितनी एकाग्रता के साथ, निध्यासन के साथ में, अनुप्रेक्षा के साथ इसको सुना। तो आपके प्रति साधुवाद और आपके प्रति धन्यवाद। आपका जीवन आनंदमय हो, सुखीमय हो, जगत कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। सब जगत कल्याण हो, सबको मोक्ष मिले, इसी शुभ भावना के साथ। भाई और बहनों, काफ़ी देर से हम गहन मंथन चिंतन कर रहे थे, तो अब थोड़े समय के लिए हम ब्रेक दे रहे हैं। ब्रेक के लिए पुनः हाजिर होंगे।